नमस्कार, मैं देवांजलि मोइत्रा। नागरिकता संशोधन कानून का देश भर में विरोध हो रहा है। योगी आदित्यनाथ का यूपी भी इससे अछूता नहीं रहा। यूपी में तो सीएए विरोधी प्रदर्शन के साथ ही जमकर हिंसा भी हुई, लेकिन सीएम योगी ने जब कार्रवाई का डंडा घुमाया तो हिंसा और आगजनी पर तुरंत लगाम लग गई। सीएम योगी ने सिर्फ एक बात कही कि जिसने भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो सरकार भरपाई भी उन्हीं आरोपियों से करेगी। सीएम योगी की पुलिस ने जब हिंसा फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की तो कांग्रेस इसका विरोध करने लगी। यहां तक कि खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दल बल के साथ मानवाधिकार आयोग पहुंच गई और शिकायत कर दी कि यूपी पुलिस लोगों के खिलाफ ज्यादती कर रही। सीएए विरोधियों के समर्थन में लगातार बोल रही प्रियंका गांधी पर बीजेपी भी हमला बोल रही है। हाल ही में मुजफ्फरनगर से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी प्रियंका गांधी पर निशाना साधते साधते जुबानी मर्यादा भी लांग गए। एक रैली में उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि हमारी प्रियंका बहन जी पत्थरबाजों के घरों में घूम रही थी उनका हाल चाल जानने के लिए, जिन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके, थानों में आग लगाई, रेल की पटरियां उखाड़ दी। ऐसे लोगों के घरों में घूम रही हैं और कह रही हैं कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। एक हमारी प्रियंका बहन जी पत्थरबाजों के घरों में घूम रही है उनका हाल चाल जानने के लिए, जिन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके, थानों में आग लगाई, रेल की पटरियां उखाड़ दी, थानों में आग लगाई, ऐसे लोगों के घरों में घूम रही है और कहती फिर रही है कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। मैंने ये कहा भैया चुनाव से पहले मंदिरों में जा रही थी दोनों भाई बहन, तो मेरा ये कहना था कि समाज की सेवा करनी चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए, भगवान भी उसी की सुनता है जो जनता की सेवा करता है, तो टाली बजाने से कुछ नहीं होता। पब्लिक की सेवा करो, लोगों को भड़काओ मत। हाँ, पत्थर मारने वालों की तो घर जा रही, बस जो बोल दिया। जय हिंद, जय भारत। जिस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने ये विवादित बयान दिया, उसी कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद थे। सीएम योगी बिजनौर से शुरू होने वाली गंगा यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे थे। 5 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 2 रूट से होकर कानपुर तक जाएगी। बिजनौर से शुरुआत हुई गंगा यात्रा की और पिछले 5 साल में परिवर्तन है गंगा की दिशा और दिशा में, और अच्छी बात यह है इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मुजफ्फरनगर जनपद को पहले ही 300 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो निर्मल अविरल गंगा की तरफ ये कदम है। बिजनौर से शुरुआत हुई, कहाँ जाकर समाप्त? अब देखिए ये जाएगी कानपुर तक, अभी हस्तनापुर जा रही है और 31 तारीख को कानपुर में दोनों यात्राओं का समापन होगा। खतौली के बीजेपी विधायक विक्रम सैनी अपने बयान को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। नागरिकता संशोधन कानून पर बोलते हुए हाल ही में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को भी अपने यहाँ नागरिकता संशोधन कानून बनाना चाहिए और जो मुस्लिम भारत में खुद को पीड़ित समझते हैं उन्हें वहाँ की नागरिकता दी जाए। उन्होंने कहा था कि अदला बदली कर लो, जो वहाँ पीड़ित है वो यहाँ आ जाए और जो यहाँ पीड़ित है वो वहाँ चले जाए। बीजेपी विधायक के बोल पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब इन्होंने क्या किया है, अपने घर की महिलाओं को चौराहे चौराहे पर बिठाना प्रारंभ कर दिया है, बच्चों को बिठाना प्रारंभ कर दिया है। कितना बड़ा अपराध कि पुरुष घर में सो रहा है रजाई ओढ़ करके और महिलाओं को आगे करके चौराहे चौराहे पर बिठाया जा रहा है। कितना लज्जाजनक है कांग्रेस सपा और वामपंथी दलों के इन लोगों के लिए एक देश की कीमत पर राजनीति करना और दूसरा विरोध के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि अब महिलाओं को आगे करके जिन्हें मालूम ही नहीं कि सीएए क्या है वे लोग धरने पर बैठे हैं। आप पूछिए उनसे जाकर किसी से भी कि आखिर क्यों धरने पर बैठे हैं, तो कहते हैं घर के मर्द ने कहा कि भाई हम इतने अक्षम हो चुके हैं कि कुछ कर सके, इसलिए तुम ही जाकर के धरने में बैठ जाओ। इसलिए भाइयों बहनों आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, ये देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का। वर्षों से जो मांग उठी थी, याद करिए धारा 370 को संविधान के अंदर
डालने का विरोध किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तब कहा था, उन्होंने तब भी इस बारे में कहा था कि यह देश के अंदर अलगाववाद का कारण बनेगी। कांग्रेस ने अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातों को माना होता तो कश्मीर, देश का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर, आतंकी गतिविधियों के कारण नरक नहीं बना होता। हम अभिनंदन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का, उन्होंने धारा 370 के मुद्दे पर किसी की परवाह किए बगैर देश सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत रहा है उसके अनुरूप निर्णय लेते हुए, कठोर निर्णय लेते हुए आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य भी कर दिया है। अब भारत की धरती पर आतंकवाद नहीं पनप सकता है। और भाइयों बहनों, ये नागरिकता कानून उसी क्रम में एक नया अभियान है। हमारे भाई बंधु जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का विरोध किया था, पाकिस्तान में 23% हिंदू थे जब देश विभाजित हुआ था, आज 1% हिंदू बचा है, कहां चले गए बाकी? क्यों कांग्रेस सपा बसपा के लोग इस पर मौन हैं? आखिर उनकी गलती क्या थी? क्यों उन्हें मारा गया? क्यों उन्हें धर्मांतरित किया गया? लेकिन दुनिया की मानवता के नाम पर कैंडल मार्च निकालने वाले इन बेशर्मों के सामने भी कोई उपचार, कोई बात नहीं, एक भी जवान नहीं इनके बारे में कि हम सहानुभूति व्यक्त कर सके उन शरणार्थियों के बारे में, उन हिंदू सिखों और जैनी बौद्ध पारसी ईसाइयों के बारे में जिनका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कत्लेआम हुआ या जिनका निरंतर कत्लेआम और धर्मांतरण हो रहा है, उसके बारे में एक भी शब्द नहीं है। आपने देखा होगा गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर ननकाना साहिब में भी कीर्तन यात्रा नहीं निकलने दी गई, एक सिख युवक की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं और उस सब के बावजूद एक कांग्रेस और सपा के लोग समर्थन करें, पाकिस्तान की भाषा बोले, ये स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर मंचों से कहूंगा कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देना सबका अधिकार है, लेकिन कोई सार्वजनिक संपत्ति को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाएगा, तोड़फोड़ करेगा तो उसकी संपत्ति से हम वसूली करके ले लेंगे और आगे के लिए फिर उनको वह सजा देंगे कि आने वाली पीढ़ी उन्हें याद करेगी कैसे कार्य होते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कीमत क्या होती है इसके बारे में उनको 10 बार सोचना पड़ेगा। और दूसरा, भारत की धरती पर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं इस बात को कहूंगा, धरना प्रदर्शन के नाम पर कश्मीर में जो नारे कभी आजादी के लगते थे, अगर इस प्रकार के नारे लगाने का कार्य करोगे ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा और फिर इसलिए भी कठोरतम कार्रवाई करने की कार्रवाई सरकार करेगी। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। भारत की धरती पर रह करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने की छूट किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती है। और भाइयों बहनों, यही बात बार बार हमें याद स्मरण दिलाती है महर्षि अरविंद की। आपने देखा होगा महर्षि अरविंद बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, देश की आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी की भूमिका उनकी थी। बाद में उन्होंने पांडिचेरी में जाकर के अपना आश्रम स्थापित किया था, आध्यात्मिक साधना में लीन हो गए थे। जब महर्षि अरविंद से पूछा गया था कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है, तो महर्षि अरविंद ने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था, इस युग का सबसे बड़ा पुण्य है राष्ट्र धर्म के पद पर आगे बढ़ जाना, राष्ट्र माता की सेवा करना, राष्ट्र की समृद्धि सबसे बड़ा पुण्य है, और सबसे बड़ा पाप है देश के खिलाफ गद्दारी, राष्ट्र के खिलाफ गद्दारी सबसे बड़ा पाप है। ये जो विपक्ष आज दुश्मनों की भाषा बोल रहा है, ये देश के खिलाफ गद्दारी करके देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित कर रहा है और ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।